लेकिन न्यूजीलैंड को आप इतना आसान नहीं ले सकते, वजह इसी वजह से कि इंडिया की मुखालिफ है। इंशाल्लाह इंडिया जीतेगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू ऑल माय सब्सक्राइबर्स एंड फैन। पब्लिक रिएक्शन शो में आपकी होस्ट अलीना तारिक करती है आपको वेलकम। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के तो छक्के चुराए उनके अपनी होम ग्राउंड में उनको हरा कर। अब देखते हैं कि न्यूजीलैंड की जो सीरीज होने वाली है, क्या इंडिया न्यूजीलैंड को उनकी होम ग्राउंड में जाके हरा देगा या फिर उनसे हार जाएगा। लेकिन लोगों में एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है। हम पाकिस्तानी अवाम से जानेंगे कि क्या लगता है कौन सी टीम ज्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाली है। आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सी टीम किस टीम को ज्यादा टक्कर देने वाली है। इसी के साथ मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? जी दिस इज साकिब आरिफ फ्रॉम मुल्तान। अब्दुलरहमान। मोहम्मद मुदस्सिर। सामा तारिक। जुनेद इस्लाम। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की सीरीज होने जा रही है, तो क्या लगता है कौन जीतेगा? आई थिंक दोनों टीमें बहुत अच्छी हैं। देखें न्यूजीलैंड को आप इतना आसान नहीं ले सकते। अच्छा। इंडिया रिसेंटली जैसे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया है अपने होम ग्राउंड में। Exactly. तो उनका कम्बिनेशन बहुत अच्छा बना हुआ है क्योंकि उनके पास लो ऑर्डर में भी बैट्समैन है जो नीचे से रन कर जाते हैं। जिस तरह के एल राहुल उपल खेल रहा था तो उसको नीचे जब मौका मिला तो उसने 80 की इनिंग खेली है 58 बॉल्स पे। तो आई थिंक इस तरह के प्लेयर्स हैं जो नीचे से रन्स उनको स्कोर करके दे सकते हैं। तो इंडिया का बहुत अच्छा कम्बिनेशन बना हुआ है। उनके पास चाइना मैन है, लेग स्पिनर है, तो ऊपर से उनकी बैटिंग ऑर्डर बहुत अच्छा है। तो आई थिंक इंडिया फील्डिंग लेवल भी बहुत ऑब्वियसली इंडिया का जो जडेजा है तो वो बहुत टफ टाइम दे रहा है इन द वर्ल्ड एज वेल। इंशाल्लाह इंडिया जीतेगा। वो क्यों लगता है आपको? क्योंकि इंडिया रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया का सीरीज हुई, उन्होंने काफ़ी अच्छा कमबैक किया। पहला मैच इनके 10 विकेट से हार गए थे इंडिया इनके ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद इनके दो लगातार जीते हैं, इनके कंटिन्यूसली वो जीते हैं। तो अच्छी टीम है, मतलब फॉर्म में। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो मुझे तो इंडिया ही बेस्ट लगती है। वो क्यों? क्योंकि उनकी जो स्ट्रेंथ है वो तो बैटिंग है। अच्छा। और उसके अलावा उनके बॉलर जो हैं वो आजकल फुल फॉर्म में हैं, जैसे उनके स्पिनर हैं या फास्ट बॉलर हैं। जैसे मोहम्मद शमी मेरा फेवरेट बॉलर है इंडिया में। अब T20 और वनडे के लिए तो न्यूजीलैंड बेस्ट है। अच्छा। और टेस्ट के लिए जो है ना इंडिया। लेकिन इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया अपने ग्राउंड में, लेकिन मुझे लग रहा है न्यूजीलैंड तो टफ टाइम देगी उनको। अच्छा, न्यूजीलैंड टफ टाइम थी, ठीक है। इंडिया ने तो ऑस्ट्रेलिया को अपनी होम ग्राउंड पर हराया है, तो क्या लगता है कि इंडिया जाके न्यूजीलैंड को उसकी होम ग्राउंड पर हरा सकता है? 50-50 चांस है, लेकिन न्यूजीलैंड के इस टाइम फास्ट बॉलर बहुत अच्छे हैं और इंडिया के पास 2-3 ही फास्ट बॉलर हैं क्योंकि फॉर्मर थोड़ा सा लंबा है टूवर उनका। बैट्समैन भी तो अच्छे हैं। बैट्समैन अच्छे हैं लेकिन उधर फास्ट बॉलर जरा पेसी होते हैं, इस वजह से बैट्समैन को दिक्कत होती है। न्यूजीलैंड को तो ऐसे नहीं हराएगी T20 और वनडे में। अच्छा। क्योंकि इंडिया के पास इतने तगड़े कोई फास्ट बॉलर नहीं है। अच्छा। अगर इनके पास ये 4 फास्ट बॉलर खिलाते हैं तो इनकी बैटिंग कम हो जाती है। अच्छा। और वहाँ पर ज़्यादातर फास्ट बॉलर खिलाने पड़ेंगे। इनके पास जो स्पिनर हैं वहाँ छोटे ग्राउंड हैं और जो स्पिनर हैं इनके वो लेग ब्रेक टाइप हैं, ऑफ स्पिनर हैं, मतलब तो अपनी अपनी ग्राउंड पे चल सकते हैं। हाँ, ये अपनी ग्राउंड पे चल सकते हैं और वहाँ पे ब्रेक विकटें बना के ही चल सकते हैं। ये तो डिपेंड करता है कंडीशन पे। तो इंडिया हर कंडीशन में खेल सकता है। पहले ये होता था कि इंडिया सिर्फ अपने होम ग्राउंड पे बहुत अच्छा खेलता था। अच्छा। लेकिन अब उनकी जो ये मैनेजमेंट है, टीम मैनेजमेंट है, वो बेहतर हो चुकी हुई है, तो उस वजह से वो किसी भी जगह पे जाएं तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। जी अच्छी टीम है, बिल्कुल इन फॉर्म है, तो बिल्कुल हरा सकती है। इतना कॉन्फिडेंस है कि वो वहाँ जाके उनकी भी होम ग्राउंड पे उनको हरा सकता है? जी बिल्कुल हरा सकता है क्योंकि रोहित शर्मा भी फॉर्म में है, उसका नाम के को विराट कोहली भी फॉर्म में है, तो बुमराह भी फॉर्म में है, ठीक है। इट्स प्रीटी टफ क्वेश्चन। बीइंग एन एथलीट आई थिंक जिसका डे होता है वही विन करता है। आई थिंक हाँ जी, मेहनत भी है ऑब्वियसली। इंडियन क्रिकेटर ने काफ़ी चीज़ों पे काम करते हैं थ्रू आउट द ईयर। उनका प्लान होता है वर्ल्ड कप के लिए, प्लान होता है जिस तरह से उनका कम्बिनेशन बना हुआ। आई थिंक इंडिया टफ टाइम देगा न्यूजीलैंड को उनके होम ग्राउंड पे। तो इंडिया की टीम के ऐसे कौन से प्लेयर्स लगते हैं कि लगता है कि न्यूजीलैंड के प्लेयर्स को टफ टाइम दे सकते हैं? आई थिंक जो फॉर्म में प्लेयर्स हैं जिस तरह केएल राहुल है, विराट इज़ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। आई थिंक विराट विल प्ले प्रोमिनेंट रोल
इन दिस सीरीज, और केएल राहुल है और उनके पास बुमराह है, वो उनका उसका प्रोमिनेंट रोल होगा। आई थिंक शमी का भी आजकल बड़ा नाम है, ऑब्वियसली उसके उसका बहुत अच्छा कमबैक हुआ है, और आई थिंक शमी भी बहुत अच्छी टच में है, और आई थिंक शमी और बुमराह का बहुत अच्छा कम्बिनेशन बना हुआ है। तो ये दो बॉलर हैं और उनके पास स्पिनर का कम्बिनेशन बहुत अच्छा है। इस तरह से इंडिया की साइड भी बहुत अच्छी है। तो इन द होल बस यही कहूँगा कि इंडिया की टीम बहुत अच्छी बनी हुई है। विराट कोहली है, उसके बाद रोहित शर्मा है और बुमराह है बॉलिंग में। नो डाउट, जैसे सबको पता है केन विलियमसन या मार्टिन गुप्टिल, ये तो ऐसे बैट्समैन हैं जो, मार्टिन गुप्टिल जारी बात है कि वो पावर प्ले बहुत अच्छा खेलता है, और केन विलियमसन जो है वो पूरा मैच अच्छा खेलता है, तो वो मे बी के मैच चेंजर साबित हो सकते हैं। और इंडिया की टीम के अंदर तो बैटिंग के अंदर तो कोहली है, वो वनडे में आके वो करेगा तो ठीक है, लेकिन बॉलिंग के अंदर ही ये अगर कुछ करेंगे तो जीतेंगे। और बॉलिंग में ये है कि जसप्रीत बुमराह और उनके साथ जो मोहम्मद शमी है, ये बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। अगर ये करेंगे इनके साथ, वो पांड्या तो इनका मिस है, अगर वो साथ होगा और एक बॉलर और खिलाना पड़ेगा इनको वनडे के लिए भी और T20 के लिए भी, तो फिर ही ये कोई उनको हरा सकते, टफ टाइम दे सकते हैं। अच्छा, और न्यूजीलैंड की टीम में आपको ऐसे कौन से प्लेयर लगते हैं जो उनको ईजिली टफ टाइम दे सकते हैं? न्यूजीलैंड के अंदर T20 के अंदर मुनरो और गुप्टिल जो हैं उनके वो ऊपर से आते हैं, और इसी तरीके से वो 6-7 आगे तक जाते हैं, सेनेटर तक आगे उनकी बैटिंग तक, उनके जो टेल एंडर बॉलर हैं वो भी बैटिंग कर लेते हैं। तो वनडे और T20 के लिए तो वो इन्हें टफ टाइम देंगे। टेस्ट के लिए ये है कि भी इनकी बॉलिंग ठीक हो जाती है इंडिया की, वो इनका वो एक शर्मा टाइप जो बॉलर है, रोहित शर्मा नहीं, वो तो बैट्समैन है, वो एक बॉलर है, तो वो आ जाता है, वो बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, लाइन में बॉलिंग करता है, तो पिछली सारी सीरीज के अंदर उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। किशन है, फास्ट बॉलर है जो कि काफ़ी टफ टाइम दे सकते हैं इंडिया की बैटिंग साइड को, उसके उनके टेलर वगैरह हैं जो उनके बॉलर्स को काफ़ी टफ टाइम दे सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। न्यूजीलैंड के जिस तरह के हमें पता है कि गुप्टिल है, गुप्टिंग विलियमसन 3 फॉर्मेट्स में बहुत अच्छा खेल रहे हैं, तो आई थिंक वो ऐसा प्लेयर है कि जो वो देखता है कि T20 के मुताबिक खेलता है, वनडे के मुताबिक अपने आप को सिचुएशन है। जी बिल्कुल, तो आई थिंक 5-23 ओडीआई मैचेस हैं और 2 टेस्ट मैचेस हैं, तो क्या लगता है कि इन फॉर्मेट्स में से कौन ज़्यादा बेहतर करेगा और किस फॉर्मेट में ज़्यादा जीतेगा? आई थिंक इंडिया का जो कम्बिनेशन बना हुआ है, वैसे तो टेस्ट में भी बहुत अच्छी रैंकिंग में है, T20 में भी अच्छी रैंकिंग में, और ODIs में भी उनका कम्बिनेशन बहुत अच्छा बना हुआ है। आई थिंक इंडिया T20 और वनडे में वो आउट क्लास है। T20 और वनडे में तो इंडिया ही जाएगी, और आगे टेस्ट मैच कुछ कह नहीं सकते कि टेस्ट मैच में क्या होगा। वनडे में ये 50-50 है। अच्छा। और T20 में न्यूजीलैंड इन्हें हरा देगी, और टेस्ट के अंदर ये बेहतर है। लग रहा है T20 और ODI में इंडिया टफ टाइम देगी, लेकिन टेस्ट में न्यूजीलैंड जीत जाएगी आसानी से। मतलब कि न्यूजीलैंड टेस्ट में ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे सकती है। ठीक है, आप दोनों टीम में से किसको सपोर्ट करेंगे? मैं डेफिनेटली न्यूजीलैंड को करूँगा। इंडिया को क्यों नहीं? क्योंकि उनका अब न्यूजीलैंड का होम ग्राउंड होगा तो इंडिया के चांसेस कम है। मैं इंडिया को सपोर्ट करूंगा। उसकी वजह? क्योंकि मैं एज ए क्रिकेटर सोच रहा हूं, एज ए पाकिस्तानी नहीं सोच रहा इस चीज़ को, और अगर पाकिस्तानी जो सोचूंगा तो फिर तो मैं पाकिस्तान की सपोर्ट करूंगा। अच्छा। एज ए क्रिकेटर इंडिया इस वक्त बेस्ट है। इंडिया को वो क्यों? क्योंकि इंडिया के पास अच्छे प्लेयर्स हैं, ठीक है, और उसका नाम क्या है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं उनके पास, ठीक है, और रिसेंटली उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि बीइंग अ क्रिकेटर एक अच्छी साइड है, उसकी सपोर्ट करना चाहिए वो, बल्कि जो मर्जी साइड हो। आई विल सपोर्ट डेफिनेटली इंडिया, जिस तरह के उनके प्लेयर्स मेहनत करते हैं, हम उनके वर्क एथिक्स को फॉलो करते हैं, जो उनके पॉजिटिव चीज़ें उनको अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, और आई थिंक इंडिया। मैं न्यूजीलैंड को सपोर्ट करूँगा। उसकी वजह? वजह इसी वजह से कि इंडिया की मुखालिफ है। अच्छा, इसी वजह से, थोड़ा बहुत मुखालफत की वजह से न्यूजीलैंड को। हाँ बस, ठीक है, हम कहते हैं इंडिया हार जाए। अच्छा ठीक है। वो भी कहते होंगे पाकिस्तान हार जाए। वो तो हर टाइम कहते हैं, उनकी तरफ से तो इतना सा भी नहीं है कि भी पाकिस्तान कहीं जीत जाए, फिर हमारे तो कुछ लोग कह देते हैं कि यार, उनके कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान जीते फिर हमारे साथ मैच और हमसे हार जाए। हमारे जो लोग हैं पाकिस्तान के, बहुत से लोग हैं, मैंने बहुत से क्रिकेटर ऐसे देखे हैं, वो एज ए नेबर इंडिया के बारे में अच्छे ख्याल रखते हैं, पाकिस्तान ने हर टाइम उनके साथ होम सीरीज़ के लिए कहा, होम सीरीज़ के लिए कहा, लेकिन ना उनके क्रिकेटर चाहते हैं ना उनकी गवर्नमेंट चाहती है। हमारे क्रिकेटर भी चाहते हैं, हमारी गवर्नमेंट भी चाहती है कि हमारी उनके साथ होम सीरीज़ हो, हम जाएं या वो इधर हैं, वो इधर हैं या हम जाएं। उन्होंने क्रिकेट के हर फोरम के ऊपर पाकिस्तान की मुखालफत की है, और उनके क्रिकेटर्स भी और उनकी जो गवर्नमेंट है वो हमारी पाकिस्तान की हर फोरम के ऊपर, चाहे स्पोर्ट्स हो
چاہے کوئی بھی فورم ہو اس پہ مخالفت کرتے ہیں. لیکن ہمارے چینل میں جو ہمارے سبسکرائبرز ہیں نا, ان لوگوں کے نیچے کمنٹس آتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ چاہتے ہیں. لوگ, میں نے عوام کا نام نہیں لیا, میں نے کامن پیپل بتا رہی ہوں, کامن پیپل کے بارے میں میں نے نہیں بولا. کامن پیپل انڈیا کے اندر بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کے آپس میں دوستی ہو, میچز بھی ہو, اور اس سپورٹ سے جو ہے ان کی امبیسڈرشپ جو ہے وہ بھی آگے جاتی ہے. اور اب وہ ایک علیحدہ ملک ہے, ہم علیحدہ ملک ہیں, وہ اپنے ملک کے لیے کام کریں, ہم اپنے ملک کے لیے کام کریں, یہ آپس کے جھگڑے, یہ اچھی بات نہیں. بالکل. کیسی لگی یہ ویڈیو اور کیسا لگا یہ ریئیکشن, کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.